ड्रग डोज कैलकुलेशन के वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल को। चलिए डिस्कस करते हैं। वेलकम दोस्तों, स्वागत है राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन देखेंगे नोरसेट के अंदर आने वाला एक क्वेश्चन 100% आता है ड्रग कैलकुलेशन का, तो उसका एक फॉर्मूला के साथ देखेंगे अपन ड्रग कैलकुलेशन को। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है आप सभी के सामने, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन बता देता हूं कि यू नीड टू एडमिनिस्टर 250 mg ऑफ द इरिथ्रोमाइसिन BDS, यू हैव ऑन हैंड 0.5 ग्राम टेबलेट्स, हाउ मेनी टेबलेट्स। ये क्वेश्चन अपना है कि हाउ मेनी टेबलेट्स विल यू एडमिनिस्टर इन 24 आवर, अपना क्वेश्चन ये है। अब इसको निकालने से पहले सबसे पहले इन चीजों पर ध्यान दीजिए कि कन्वर्जन फ्रॉम स्मॉल यूनिट टू लार्ज यूनिट, जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो स्मॉल यूनिट अपॉन 1000 करते हैं और कन्वर्जन करते हैं लार्ज यूनिट का यूनिट टू स्मॉल यूनिट में, तो मल्टीप्लाई होगा 1000 का। तो दोस्तों इसके अंदर अपने को दो फॉर्मूला क्या लगेगा, सबसे पहले देख लीजिए आप, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। सबसे पहले तो अपने को देखना है इसमें कि सारी जो वैल्यू है, सब वैल्यू चेक करनी है कि वैल्यू सारी एक ही डिजिट में है क्या, सेम डिजिट में है क्या, वो देख लीजिए। सेम डिजिट का मतलब सेम यूनिट में है क्या। तो यहां पर सबसे पहले अपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं कि यू नीड एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर का मतलब, एडमिनिस्टर मतलब दे रहे हैं उसको 250 mg में यहां पर वैल्यू दी है, ठीक है। उसके बाद में BDS का मतलब है दिन में दो बार दी जा रही है। यू हैव ऑन हैंड, ऑन हैंड का मतलब हो गया अपने पास कितनी है, 0.5 ग्राम है। देखिए यहां पर ग्राम है, यहां पर mg है, तो सबसे पहले दोनों जो डिजिट होगी उनको अपन दोनों यूनिट है उनको सेम करना पड़ेगा। उसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, अपन यूनिट को सेम करना है उसके लिए क्या करेंगे, अभी अपन ने देखा है, क्या देखा है कि स्मॉल यूनिट अपॉन 1000 कर देंगे स्मॉल यूनिट, तो ये ले लेते हैं चलिए 250 mg इंटू 1 ग्राम अपॉन 1000 mg, ठीक है। तो दोस्तों mg से mg कट गया, 0 से 0 कट गया, 25 से ये 4 मिल गया, 25 चौके 100, 1/4 ग्राम आ रहा है। 1/4 ग्राम का मतलब हो गया 0.25 ग्राम। अब ये वैल्यू अपन ने ग्राम में निकाल ली है, ये वैल्यू राइट आंसर ये नहीं है, ये तो वैल्यू आई है सिर्फ। अब इसको अपन, ये जो कौन सी वैल्यू आई है, जो अपन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जो अपन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। अपने पास फॉर्मूला है डोज का, तो फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करेंगे, चलिए मैं बताता हूं आपको कि इसको फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करना है। चलिए यहां देख लेते हैं, ये फॉर्मूला क्या है, डोज गिवन इक्वल टू डिजायर डोज। डिजायर का मतलब होता है जो डॉक्टर ऑर्डर लिखता है, और अवेलेबल का मतलब है स्ट्रोक में अपने पास, स्ट्रेंथ में अपने पास पड़ी है, वो होती है स्ट्रेंथ डोज। तो चलिए देखते हैं, डिजायर डोज बोले तो डॉक्टर ने कितनी लिखी थी, तो एडमिनिस्टर करने के लिए कितना बोले डॉक्टर ने, यहां पर इसको निकाल लिया ग्राम में, अपन ने ग्राम में निकाल लिया 0.25, लगाइए चलिए 0.25 इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम यहां पर पता चलेगा, BDS मतलब दो बार देनी है, तो वॉल्यूम हो गया 2 अपॉन अवेलेबल डोज, अपने पास स्टॉक में कितनी थी, तो 0.5 थी, क्या थी, 0.5 थी, चलिए 0.5 थी, तो यहां से 0 पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाकर ऊपर 1 0 लगा दो, नीचे 2 0 लग जाएगी पॉइंट हटकर, 10 से 10 कट गया यहां पर, ये हो गया 25 दूनी 50, 25 दूनी 5 5 25, इससे हो गया 5 दूनी 10, 10 अपॉन 10 हो गया, तो 1 बोले तो 1 टेबलेट। तो यहां पर हाउ मेनी टेबलेट विल यू एडमिनिस्टर इन 24 आवर, तो कितनी, 1 टेबलेट। ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये फॉर्मूला आप याद रखना, इस फॉर्मूले से ये जितनी भी डोज के कैलकुलेशन वाले होंगे वो यहां से सॉल्व हो जाएंगे। और नेक्स्ट जो डोज का अपन देखने वाले हैं,
ये तो हो गया एक क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो अपन करने वाले हैं, ये तो सिर्फ डोज का हुआ है। इसके बाद अपन ड्रॉप फैक्टर वाले क्वेश्चन भी करने वाले हैं, जीटीटी वाले भी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये कैसा लगा आपको, आपके समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जल्द ही आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखने को मिलेगा, पार्ट सेकंड जल्द ही मिलेगा। ऐसे शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये कवर करवा दूंगा, पार्ट सेकंड जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।